जैन साथियों, मैं अनवर सम्राट, आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी की क्लास जो डेली 6 बजे के करीब आपके चैनल पर उपलब्ध होती है, और आप सभी इस क्लास को लेना ना भूलें और शानदार तरीके, बहुत अच्छा क्लास रहेगी। यूपी पुलिस में और यूपी पीएससी की जो वैकेंसी आ रही है, फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका बेहतर रिजल्ट देने वाली क्लास रहेगी है। और आप सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। देखिए, आपका चैप्टर है वर्णमाला, वर्णमाला चैप्टर होगा वर्णमाला। इसमें बाकी पिछली क्लास में जो करवाया था मैंने, थोड़ा सा कंटेंट करवा दिया था जो बेसिक से बनता है, बेसिक कंटेंट सभी करवा दिया। अब देखेंगे जो वर्णमाला का ऑथेंटिक कंटेंट क्या बनता है, उस चीज को देखेंगे। अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं वर्णमाला, वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। और एग्जाम में जैसा कि पिछले काफी एग्जाम मैंने देखे, यहां पर आपके सामने सीधी परिभाषा पूछ ली गई है, वर्णमाला कहते किसे हैं। यहां अगर पूछ ले, क्वेश्चन दे दे, वर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन किस कह दे, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये बनेगा, सर आप मुझे ये बताइए शब्द किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, क्या ये नहीं पूछी जाती है एग्जाम में? मैं भाई इसको देख, अच्छे से देख, शब्द की अगर बात करता है मुझसे, शब्द किसे कहेंगे, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जो भाषा की सार्थक इकाई होती है उसे शब्द कहेंगे। अगर ये मुझसे कहे ध्वनि किसे कहते हैं, जो भाषा की मौखिक इकाई होती है, भाषा की मौखिक इकाई को, भाषा की मौखिक इकाई को क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। अब आप कहेंगे सर ध्वनि इनमें इतना अंतर होता है, भाई यही तो अंतर होता है, यही अंतर होता है, कुछ नहीं है, बस इसको ही समझना है। अगर आपने ये अंतर समझ लिया तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे, अदरवाइज गलत होने के काफी मात्रा में चांस रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, या अगले वर्ण की बात की जाए, वर्ण दो प्रकार से बांट दिया जाता है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। पहला क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर की अगर बात की जाए, स्वर कहते किसे हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण, देख लेना सभी देख लो, वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण रूप से
स्वतंत्र होते हैं। वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से मिलकर नहीं बनते। भाई आजाद पंछी हैं ये, तो किसी की सहायता से मिलकर नहीं बनते। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आप कहेंगे सर स्वर होते कौन से हैं? भाई अगर स्वरों की संख्या पूछता है, तो आपको क्या करना है? आपको लगाना है 11। ये कहते हैं स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब यहां कौन सा आएगा? यहां आएगा 13। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना। अगर क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ोगे तो क्वेश्चन को सही कर पाओगे, अन्यथा गलती होने के चांस रहेंगे। अब यहां मैं देखता हूं नेक्स्ट क्या कहता है। जो स्वर होते हैं, स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है आश्व स्वर। क्या आता है? आश्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर। तीसरा आता है प्रलुप्त स्वर। समझ लेना ढंग से। तीसरा आता है प्रलुप्त स्वर। अगर मैं यहां देखता हूं हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। हास्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों को उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हास्व स्वर कहते हैं। यहां देख लेना, सबसे कम समय जिन स्वरों के उच्चारण में लग रहा है उन्हें हास्व स्वर कहेंगे। ये क्लियर। अब यहां ये आते कौन कौन से? आप कहेंगे सर ये तो बता दो आते कौन कौन से हैं। बिल्कुल बताऊंगा। यहां देखिए ये कौन से आते हैं? ए आएगा नहीं, ए ई उ और ऋषि। ये चार आपके सामने आएंगे, ए ई उ ऋषि, ये चार आएंगे। उसके बाद अगर मैं देखता हूं दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आप कहेंगे सर दीर्घ स्वर में पढ़े तो हैं, बस कहानी पेचीदा बन जाती है कभी कभी, ये दिक्कत कर देते हैं स्वर। स्वर क्या दिक्कत करते हैं? अब देखते हैं क्या दिक्कत करते हैं, इसको समझ लो पहले। यहां अगर मैं देखता हूं क्या हो गया देख लो इसको। हाँ दीर्घ स्वर, जिन स्वरों में, इसको लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्व स्वर की अपेक्षा इज्जत से नाम लो भाई, हास्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ठीक कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। अब मैंने कहा ये तो चार होते हैं तो ये कितने होंगे? ये होंगे 7। कौन से? अगर 11 की हम छटनी करते हैं, 4 को निकाल करके 7 दीर्घ में आ जाएंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। यहां देखते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है?
देख लो भाई, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और ये ओ आ जाएगा, यही तो आएंगे, ये आ जाएंगे सात, ए ई उ, ए ए ओ ओ, मतलब ये आ जाएंगे सात। क्लियर है भाई? अब यहां बात की जाए प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगता है, हास्प से, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हास्प से, हास्प से तिगुना समय, जिन स्वरों को उच्चारण में हास्प से तिगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब यहां मैं देखता हूं जिन स्वरों को उच्चारण में हास्प से तिगुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। यहां जैसे भक्ति शब्द आ जाए, जैसे ये आपसे कहते ओम राम, तो यहां क्या होगा, ये स्वर हो जाएंगे हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, यहां इस तरह के स्वर होंगे। इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये स्वर होता क्या है, क्या चीज है, सारे फैक्टों को पढ़ देना। अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लेना भाई, इंतजार मत करना, कोशिश करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। कभी पता पड़ी का कोशिश ही कर रहे हैं, कोशिश से काम नहीं चलेगा। देखिए हास्य स्वर क्लियर हो गए, तीर्थ स्वर क्लियर हो गए, प्लुप्त स्वर क्लियर हो गए। अब देखते हैं स्वर भी तीन प्रकार के और आते हैं, कौन कौन से आते हैं, स्वर तीन प्रकार के कौन कौन से आते हैं देख लो भाई। बट ये देखिए अगला नेक्स्ट, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, ये भी तीन होते हैं। पहला आता है अग्र स्वर, दूसरा आता है मध्य स्वर, तीसरा आता है पश्च स्वर। ये स्वर आते हैं तीन, किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। अग्र स्वर की अगर बात मैं करता हूं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का, अबे यार, जीभ का वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है वो क्या होगा, अग्र स्वर होगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक किस किसका क्लियर है ये बताइए। अब इसको मैं देखता हूं, अग्र स्वर की अगर बात करता हूं, अगला भाग सक्रिय रहता है, अच्छी बात है। यहां देख लीजिए, अगले भाग की अगर बात करता है, ई ई ओ ई ई ए, ई ई ए ए, हाँ क्या होगा, ई ई
ए और ए, ये इसमें आएगा अग्रभाग में, ई ई ए ए, जीव का अग्रभाग सक्रिय होता है, वह क्या होगा अग्रस्वर। मध्य इसको देख लो भाई ढंग से, मैंने आपको लिखवाया बे स्वर जिनके उच्चारण में जीव का अगला भाग सक्रिय होता है तो वहां क्या होता है अग्रस्वर होता है। इसमें चार आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ई ई ए ए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है और क्या हमें क्वेश्चन करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है, अदरवाइज छोड़ देना है, बाद में कर लेना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मध्य स्वर बे स्वर, बे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीव का मध्य भाग सक्रिय रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है। अब यहां कहते हैं सक्रिय रहता है तो कौन सा रहेगा, आप कहें सर तो कौन सा होगा, मध्य स्वर कहलाएगा, मध्य स्वर कहलाता है, कहलाता है। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को पढ़ना है। अगर उत्तर प्रदेश में वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो क्लास को रेगुलर बने रहिए, और क्लास अच्छा लगे तो शेयर मार दो ताकि और बच्चों का भी, ऐसी कंजूसी मत करना ये सोच रहे हो कि हमारा तो भला हो रहा है दूसरा कंपटीटर बन जाएगा हम अपना, तो कंपटीटर तो हर कोई है, कंपटीटर कौन नहीं होता, कंपटीटर तुम्हारे माता पिता नहीं होते, भाई बहन सब एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ओनली तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं जो तुम्हारे कंपटीटर नहीं है, हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचेंगे। तो कंपटीटर बाकी इनको छोड़ करके दुनिया तुम्हारे कंपटीटर है, तुम्हारे कंपटीशन फाइट कर रही है, भाई बहन जो भी हो। यहां देखते हैं इसमें कौन सा आएगा, इसमें केवल एक शब्द आएगा ए, ए आएगा, आ आ आएगा, जब आपको रसगुल्ला खाने की बात की जाए ए आएगा, ए आएगा, कोई बल ए, ए आएगा ए। अब ए क्यों आएगा, क्योंकि ये ए आएगा, ए ए ए बोलेंगे तो एक मध्य है, ए बोलने पर जो जीभ का जो होता है मध्य भाग सक्रिय रहता है, किसका, जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, उस स्थिति में ए आएगा। अब यहां मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन है, पश स्वर बे स्वर या बह स्वर क्या होगा, बह स्वर, बह स्वर जिसके उच्चारण में, वह स्वर जिसके उच्चारण में जीव का, वह स्वर जिसके उच्चारण में जीव का पिछला भाग, जो सबसे पिछला वाला है, पिछला भाग सक्रिय, मतलब काम करता है, सक्रिय का मतलब होता है काम करता है, निठल्ला नहीं डोलता काम करता है, सक्रिय रहता है, बह स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस बात का ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो उनका जवाब सभी अपने कमेंट बॉक्स में देना, वीडियो के लास्ट में दूंगा, ध्यान रखना सभी इस बात का। इसमें कौन सा आएगा, एक तो आ जाएगा, आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और ओ आ जाएगा, ये आपके पांच पश्च स्वर में आ जाएंगे।
इस चीज का ध्यान रखना है, अगर जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें वीडियो में वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया अभी सभी ने। अब यहां मैं देखता हूं संवृत स्वर, अब यहां देखता हूं मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, मुख खुलने के आधार पर आधार पर स्वरों के भेद। क्लियर है भाई, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से, इस चीज को देखना है। पहला आता है, आप बताइए पहला कौन सा आएगा, बताइए भाई कौन सा आएगा। पहला आएगा संवृत स्वर, संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरा आपका आएगा अर्ध संवृत स्वर, दूसरा आएगा संवृत तो अर्ध आएगा, अर्ध संवृत स्वर। पहले इनको लिखिए, संवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर संवृत स्वर कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, व्रत का मतलब है हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में व्रत या जिन स्वरों के उच्चारण मुख बंद हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद हो जाता है तो क्या कहलाएगा, संवृत स्वर कहलाएगा। जिन स्वरों को उच्चारण में मुख बंद हो जाता है तो वहां क्या होगा, संवृत स्वर कहलाएगा। अब ये आते कौन कौन से हैं बताओगे, जरा बताइए मुझे कौन कौन से आते हैं। ये आएंगे ई, ये आएगा ई, ई ओ और ओ, ये आएंगे संवृत स्वर के अंदर। क्लियर है, ई यू ई ई ओ ओ, तो ये आएंगे संवृत स्वर के अंदर। इस चीज को बताइए ये क्या है, उसके बाद अगर मैं देखता हूं जिन स्वर, अर्ध का मतलब है आधा, ये तो वैसे ही पता होना चाहिए, अर्ध का मतलब है आधा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब यहां पर जो मुख है आपका कैसा खुला हुआ होगा, आधा खुला हुआ होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन सा आएगा, एक तो ओ आ जाएगा और एक ए आ जाएगा, ये आ जाएगा एक ओ आ जाएगा और एक ए आ जाएगा, ए ये वाला आएगा, ये वाला ठीक है, ये वाला आएगा ना हाँ, एक ओ आ जाएगा और एक ए आ जाएगा। उसके बाद आएगा विवृत स्वर, नवीन सर की कॉल आ रही है, नवीन सर की कॉल आ रही है, करना कॉल। इसके बाद आएगा एक विवृत स्वर, क्या आएगा, विवृत स्वर। यहां अगर मैं देखता हूं विवृत का मतलब होता है जिन स्वरों को उच्चारण में अगर मुख पूरा खुला हुआ होता है, देख लेना भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है,
जिन स्वरों के उच्चारण में, व्रत का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में अगर मुख पूरा खुला हुआ रहता है तो वहां क्या होगा, विव्रत स्वर हो जाएगा। इसमें ओनली आ आता है, क्या आता है, आ आता है। आ जैसे एक शब्द कहते आ आ, आप भू पूरा खुल जाएगा। जैसे तुमसे कह देता है रसगुल्ला, वैसे मोटा होता रसगुल्ला। अगर हलवाई ने किसी ने अच्छा ही बनाया होगा बड़ा वाला रसगुल्ला तो आपका मुंह में भी नहीं आएगा तो वहां क्या होगा, रसगुल्ला। तो मतलब यहां जिसमें आ जाए या इसमें केवल आएगा विव्रत में, आ की पहचान है जिसमें अगर मुंह पूरा खुल रहा है तो वो किसमें आएगा, विव्रत में होगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद आएगा अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, ये हो गया अर्ध विव्रत स्वर। यहां देखता हूं मैं अर्ध विव्रत में क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख क्या होगा, आधा खुला होगा, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला, आधा खुला होगा तो वहां क्या होता है, अर्ध विव्रत होगा। अब इसमें कौन कौन से आएंगे बताओगे जरा? इसमें आएंगे आपका ए ओ ए, एक तो ए था, एक ओ बचा डबल वाला दो मात्रा और एक ए बचा सिंगल मात्रा, यही तो आएंगे ए ओ ए। मतलब जिन स्वर को उच्चारण में अगर मुख मेरे पास आधा खुला हुआ हो तो वहां पर कौन सा आएगा, अर्ध विव्रत स्वर। यहां तक बताइए, ये किस किस के समझ में आ गया, किस किस के नहीं आया बताइए सभी। क्लियर है भाई? अब यहां अगर मैं देखता हूं, पर भी यहां अगर मैं देखता हूं होठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ मतलब होठ, ओष्ठ के आधार पर, आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है, बताइए पहला कौन सा आता है और दूसरा कौन सा आता है और तीसरा कौन सा आता है। पहला आता है व्रतमुखी स्वर, दूसरा आएगा आव्रतमुखी स्वर, आव्रतमुखी स्वर, ये आएंगे। एक व्रतमुखी स्वर, दूसरा आएगा आव्रतमुखी स्वर। अगर मैं व्रतमुखी स्वर की अगर यहां बात करता हूं आपसे, जिन स्वरों को उच्चारण में, किसमें आएगा, जिन स्वरों को उच्चारण में अगर होठ अपनी आकृति गोल बना ले, जिन स्वरों को उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाए, यहां देखता हूं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल आकृति बना ले तो यहां पर कौन सा होगा, व्रतमुखी, ई नहीं ये नहीं हुआ, व्रतमुखी ओ हा गोल बना ले तो यहां व्रतमुखी स्वर होंगे, व्रतमुखी स्वर होंगे। तो यहां आप बताएंगे मुझे, तो यहां आप बताएंगे इसकी कॉल आ रही है, यहां कौन से होंगे, यहां होंगे उ उ ओ और ओ, तो मतलब ये दो चार होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये चार होंगे और ये क्वेश्चन लगा सकता है, ठीक है ना। अगर पूछता है ओष्ठ के आधार पर स्वरों कितने भेद होते हैं, दो। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात चलता हूं आव्रतमुखी में, आव्रतमुखी में अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मतलब ये गोल नहीं होगा, होठ का मुख गोल नहीं होगा इसमें आव्रतमुखी। जिन स्वरों को उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती, गोल नहीं होती। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती तो वहां पर क्या होता है, आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। क्लियर है भाई? अब यहां आएंगे कौन से? आप कहें सर ये तो बता दो कौन कौन से आएंगे। ए आ ई ई ए ए, यहां देखता हूं कौन से आएंगे। ए आ जाएगा, आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं तो ये किस में आ जाएंगे, आवृतमुखी स्वर में आ जाएंगे। बताइए इसका क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट चले देखिए, अब नेक्स्ट आएंगे स्वरों के भेद जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों के भेद, जाति के आधार पर। बड़ा ठेठर है सब पढ़मा लागो पढ़ने में। जाति के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। यहां एक क्लास में आपका स्वरों का सोपड़ा साफ है, केवल एक क्लास में स्वरों का। उसके बाद अगर मैं यहां देखता हूं जाति के आधार पर, एक होता है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। दूसरा देखता हूं यह आता है विजातीय स्वर, यह क्या होता है। सजाति का मतलब होता है जब कोई स्वर एक ही जाति से मिलकर के बनता है तो क्या होता है, सजातीय स्वर कहलाएगा। जैसे ए आ ई ई उ ऋषि, ए आ ए आ ई ई उ उ और ऋषि, मतलब ये क्या होंगे, सजातीय हो जाएंगे। अब यहां मेरे पास बचा एक तो ए बचा और एक ओ बचा, ठीक है, एक ए बचा एक ओ बचा। अब ये जातीय क्यों कहे जाते हैं, क्वेश्चन बनता है ए प्लस ई को मिलाकर के ए बनता है। अब ए प्लस ऊ को मिलाकर के ओ बनता है, मतलब ए और ओ, मतलब दो अलग अलग स्वर हो गए, अलग अलग स्वरों को मिलकर के अगर जो स्वर बनता है उसे विजातीय कहते हैं, और वो संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी आ सकता है। क्या कह सकते हैं, संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। संयुक्त का मतलब होता है जब कोई स्वर दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, यहां तक बताइए किस किस के समझ में आ गया, ये आपके स्वर यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद अगर देखता हूं मैं क्लास, नेक्स्ट चलता है आपका टॉपिक व्यंजन। इस क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चलता है व्यंजन। व्यंजन को अगर मैं यहां देखता हूं, व्यंजन कहते किसे, सबसे पहले ये क्वेश्चन निकल कर आता है। जब तक किसी भी क्वेश्चन का फाउंडेशन या किसी भी टॉपिक का अगर फाउंडेशन क्लियर ना हो तो टॉपिक अधूरा है, ये क्लियर है। क्योंकि अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले उसको नींव को देखूंगा, उसके फाउंडेशन को देखूंगा। अगर मेरी समझ में क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो सारी चीजें क्लियर है। सबसे पहले फाउंडेशन देखना। कितनी भी लोग ट्रिक व्रिक का महाअर्थी लेकर के चलते हैं ना, वो सब क्या होता है, फाउंडेशन सब बेस होता है। बेस आधारित ट्रिक बनती है ना कि ट्रिक आधारित बेस। बेस से सबसे पहले हमें नॉर्मली बेसिक क्लियर करना होगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं व्यंजन की, व्यंजन कहते किसे हैं,
वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते किसकी सहायता से मिलकर के बनते स्वरों की सहायता से मिलकर के बनते वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर के बनते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अगर मैं यहां देखता हूं किसकी सहायता स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यहां मेरे पास एक क्वेश्चन बनता है व्यंजन कि व्यंजन कितने होते हैं व्यंजन कितने होते या ऐसे ना कहे ये आपसे कह दे व्यंजनों की संख्या बताओ मुझे तो व्यंजनों की संख्या क्या होगी कितनी होगी भाई 33 व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 33 व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी 39। इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है क्या रहा है कुल कह रहा है साधारण नॉर्मल पूछ रहा है तो यहां इस बात की गलती ना हो जाए क्वेश्चन क्या है कुछ और रहा है और बता कुछ और रहे हो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहां अगर मैं देखता हूं ये क्लियर है हाँ। अब यहां पहले कंडीशन बनती है पहले आते स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते कितने के कितने हैं 25। अगर इसमें पूछ ले कुल कितने होते हैं मुझे ये बताओ तो मैं आपसे कहूंगा कुल होते 27। कितने होते 27। और दूसरे की बात करता हूं कौन से आते हैं अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ये कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन को अगर मैं देखता हूं ये 4 होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन तो ये कितने होते हैं ये भी 4 होते हैं। चौथे की बात की जाए चौथे आते हैं संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन ये भी आपके 4 होते हैं। अब तुम में से एक निकलता है चतुर बालक वो कहता है मुझसे सर ये बताओ मुझे ये 25 से 27 कैसे हो गए मैं भाई 27 अभी बताऊंगा तुझे 13 तो मुझे चालान ही काटना पड़ेगा ऐसा लगता है। अब ये जो 2 होते हैं ये 2 आ जाते हैं द्विगुण द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से आ जाते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन ये यहां से इस तरह से क्वेश्चन लगा देता है कौन से आ जाते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर मुझसे ये कहता है द्विगुण उत्क्षिप्त तो आ गए बिल्कुल अच्छी बात है आपकी समझ में आ गया पर ये और बता दो है कौन से क्या इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं तो मैंने बिल्कुल जोड़ूंगा भाई। अब यहां आगत भी तो आता है आगत व्यंजन आगत का मतलब होता है विदेशी ये भी 2 होते हैं। अब तुम में से एक बालक निकल कर आता है सर मैं पहले हिसाब लगा लूं उसके बाद तुमसे बात करूंगा लगा ले तो हिसाब लगा कितना लगाता है मैं भी देखता हूं सर 25 तो ये हो गए बिल्कुल अच्छी बात है 4 ये हो गए अच्छी बात है 25 4 29 और 4 ये हो गए 33 बिल्कुल सही बात है 33 और 4 ये हो गए 37 और 2 ये हो गए 39 और 2 ये हो गए 41। सर आप तो कुल 33 बता रहे थे सॉरी 39 बता रहे थे ये 41 कैसे मन के आ जा तू मैं आ जा अभी देखता हूं तुझे यहां देख ले यहां ये जो 2 आगत है ना
ये दो विदेशी हैं, ये विशेष रूप से काउंट नहीं होते। अब 39 होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी काउंट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन की भावनाओं को देख ले। अगर क्वेश्चन की भावना तेरे समझ में नहीं आ रही तो तेरी भावना तुझे छोड़कर चली जाएगी, इसे देख ले। अब यहां इसका थ्योरिकल कंटेंट क्या होगा, यहां नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। वर्णमाला में अगर बात की जाए, स्पर्शी व्यंजन से स्टार्ट करता हूं, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, यहां अगर मैं देखता हूं स्पर्शी व्यंजन में, यह कहता है इसमें एक चीज होती है, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। पहला आता है के, चे, कच, टतप, टे, टे, पे। एक ट्रिक होती है कच टतप, इसमें याद कर सकते हैं कच टतप, ये पहला वर्ण याद करने की ट्रिक है। ट्रिक भी कुछ नहीं है, मैंने कहा बेसिक ही ट्रिक है। अगर बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, रट लिया, कुछ भी करा, वही ट्रिक है। यहां अगर मैं दिखता हूं कैसे के खे, क्या होगा खे गे खे, और क्या होगा अड़े, यही होगा, ठीक है अड़े। उसके बाद के छे जे झे और अड़े, के खे डे और डे और अड़े, टे ए दे धे और ने, पे फे बे भे और ने। अब तुम में से एक लड़का निकलता है जो बिल्कुल सातिर होता है, वो कहता है आज गुरुजी से मजे लेने वाला हूं। मुझसे क्या मजे लेगा, यहां देख ले पहले, यहां गुरुजी मुझे बताओ ये याद कैसे होंगी, भाई सुन जा, थम जा पहले, थम जा, कहीं मत भगे। यहां अगर तेरी नौकरी लग जाएगी तो गाड़ी मांगेगा, केटीएम चाहिए जी मुझे, कौन सी केटीएम, केटीएम चाहिए, बाकी कुछ और ना चाहिए। मैं कहूंगा भाई केटीएम ही मिलेगी, पहले तू नौकरी तो लगा ले, या बेरोजगार को केटीएम मिल जाएगी। तू कहेगा गुरु जी अब क्या यू पुलिस में लगा के आऊंगा, अब क्या यू पुलिस में तुम देख लेना क्या सबसे बढ़दी मेरे चढ़ जाएगी। के का मतलब होगा कंठ है, क्या होगा कंठ है, के का मतलब होगा कंठ है, चे का मतलब होगा तालब है, क्या होगा तालब है, मैं का होगा मूर्धन्य, मूर्धन्य, ते का होगा, ते का क्या होगा दंत है, और ओ का होगा ओष्ठ है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये इसका उच्चारण स्थान आ जाएगा केटीएम गाड़ी लेने के बाद, कहीं भूल जाओ उच्चारण स्थान को, केटीएम ही चलाते रहो, ऐसा नहीं है केटीएम तो चलाओगे मगर इस चीज को मत भूलना, ये आपके नौकरी लगाने बहुत ध्यान रहेगी। उच्चारण स्थान, अगर मैं यहां देखता हूं इसको नंबरिंग देता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब क्वेश्चन निकल कर आएगा पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, इस तरह से लिख लेना, पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन क्या होगी अल्प प्राण, क्या होगी अल्प प्राण। दूसरी लाइन और चौथी लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन और चौथी लाइन क्या होगी महाप्राण, महाप्राण। इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरी और चौथी लाइन क्या होगी महाप्राण। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, गुरुजी पहले मुझे ये बताओ क्या स्वर में भी नहीं आते कंठ तालब मूर्धन्य ओष्ठ, मैं भाई स्वर में भी आते हैं, अभी तक स्वर का भी दिखाऊंगा, स्वर का भी बहुत आसान है।
देखिए उसके बाद गुरु जी, मैंने एघोस अर्थ एघोस बहुत सुना है, लिख लिख सुने मत लिख ले, एघोस अर्थ एघोस लिख ले तू, एघोस का कहवे मतलब जिसका उच्चारण घर्षण करे, यहां कहेगा पहला दूसरा एघोस, पहली लाइन और दूसरी लाइन एघोस होगी, तीसरी चौथी पांचवी सैघोस, तीसरी लाइन चौथी लाइन और पांचवी लाइन क्या होगी, ये सैघोस होगी। इस बात का ध्यान रखिए, कभी भूल जावे कतई, कभी के गुरुजी ने गेता बताई मैं तो भूल गो, वहां भूलना ही ना है। अब यहां ये हो गया, अब एक कंडीशन निकल के आएगी कि पांचवी लाइन को कहा के मैं, पांचवी लाइन कहा के मैं जाको, देखो देख ले भाई, पांचवी लाइन को कह मैं नासिक के, क्या नासिक के, अगर तेरा नासिक के ना बोला जावे तो पे तू कहियो पंचमाक्षर, पंचमाक्षर पूरी लाइन को, ये ध्यान रखियो ये कंप्लीट जो लाइन है ये पंचमाक्षर कहलाएगी, क्लियर है। अब यहां देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद कंठ तालब मूर्धन है, कंठ वाली पूरी लाइन ये होगी, तालब्य वाली पूरी लाइन ये होगी, मूर्धन्य वाली पूरी लाइन ये होगी, दंत वाली पूरी लाइन ये होगी और ओष्ठ वाली ये लाइन होगी, कंठ तालब मूर्धन्य दंतब ओष्ठ, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ये कहे ये मुझसे कह दे ये क्या हो रहा है, देखिए भाई नेक्स्ट देख लो, यहां तुमने ये तो कर ली पूरी टेबल, कंठ तालब मूर्धन दंतब पोष्ट, इसमें एक चीज और रह गई मेरे पास, इसमें एक चीज क्या रह गई, तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत आवे है, पूरी ये तो बता दो, 25 तो तुमने बता दिए, वो दो कौन से जो द्विगुण व्यंजन है, तेरी जो द्विगुण व्यंजन है उन्हें बताओ, उनको तो बेसब्री से इंतजार है, उन्हें ही बताएंगे भाई, तू चिंता मत करे कतई भी, जो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन ये हैं ले, ले और ले, ले और ले, ले और ले, इनके नीचे बिंदी लग रही है, अगर इनके नीचे बिंदी लग रही है तो इन्हें लपेट दियो, आ जाओ बेटा द्विगुण में आ जाओ, तो ये द्विगुण कहलाएंगे, ये हो जाएंगे 27, तो इसलिए इन्हें ऐसा करना कतई। उसके बाद अगर बात करें कोई अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो, मैं अंतस्थ करवाऊंगा अगली स्लाइड में, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की अगर बात कर रही हूं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, अब आ जा बेटा, अंतस्थ व्यंजन होंगे ये रे ले और बे, ये होंगे अंतस्थ व्यंजन। अब मुझे ये बताओ तुमके गुरुजी, हमें एक डाउट सो बनना है, मैं डाउट सो क्या बनना भाई भी देखूंगा, क्योंकि इसमें यहां डाउट अभी बताऊंगा तो मैं कार्ड बनना होगा, अर्ध